हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप पिछले वीडियोस मेरे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली है क्या, टाइटल पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ स्किन नाइट स्किन केयर रूटीन के बारे में। जैसे हमारी अंदर की सुंदरता इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बाहर की भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब पूरे, मैं ये नहीं कह रही गोरा काला वाली बात, बट आपकी स्किन जो भी आपको उसे मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि क्या है कि एक एज होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं अगर आप अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं, और एक अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिखने लगते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस के लिए हमें चाहिए होता है कि हमारा लुक जो है वो अच्छा है। जब हम चार लोगों के बीच खड़े रहते हैं ना, तो हम खुद ही सोचते हैं यार वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम क्यों नहीं लग रहे, या हमारी स्किन इतनी कहते हैं ना एक क्वालिटी घटने लग जाती है जब आप किसी चीज़ की केयर नहीं करते हो। कि कोई भी चीज़ हो, स्किन हो या कुछ भी चीज़ आप मान लीजिए, जब आप उसकी केयर नहीं करते हो तो खुद ब खुद अपनी क्वालिटी को गिराने लगता है। तो ऐसे ही स्किन होती है हमारी, इसको डिहाइड्रेट करके रखना चाहिए, प्रॉपर केयर करनी चाहिए। पूरे दिन हम बाहर जाते हैं, सुबह का मेकअप किया हुआ हम शाम तक रहते हैं, वैसे ही उसी मेकअप में रहते हैं। मेकअप के साथ साथ धूल मिट्टी का भी कुछ मेकअप हो जाता है हमारे फेस पे, तो जो क्वालिटी को घटा देता है, प्लस आपकी स्किन का जो डर्ट वगैरह है वो निकल नहीं पाता और हम वैसे ही सो जाते हैं। तो धीरे धीरे एक दिन में आपको पता नहीं चलेगा, बट हाँ एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको खुद फील होगा कि मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था, तो ये ठीक हो जाता। फिर हम दूसरों से नुस्खे मांगते हैं, ज़्यादातर यही होता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन, मिडिल क्लास लोगों के लिए जो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, बट करना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको उनका कॉस्ट भी बताऊंगी और बताऊंगी कैसे यूज़ करना है। करके देखिएगा, आपको बेनिफिट होता है, देन मुझे आके आप कमेंट करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फेस पे थोड़ा बहुत लिपस्टिक लाइनर जो भी है, जो भी मैं लगाती हूँ, वो सब लगा हुआ है। तो पहले मैं क्या करूँगी, इसको रिमूव करूँगी, हेयर को टाई करूँगी, क्योंकि पूरे दिन हम कैसे भी अपने, कोई भी आपका हेयर स्टाइल है तो सबसे पहले आप अपने हेयर्स को कि भी डर्ट वगैरह जो है निकल जाए। तो पहले मैं बालों को इस तरह टाई करती हूँ, ठीक है। अब ये बाल मेरे फेस पर नहीं आने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक वाइप लेना है इस तरह का, कोई भी कंपनी का वाइप ले सकते हैं जो आपके फेस से डर्ट हटा दे। तो ऑलरेडी वाइप जो है वो थोड़े गीले होते हैं, तो पहले आप उससे अपने फेस को प्रॉपर तरीके से साफ कर लीजिए। अब मैं आप खुद दिखाती हूँ कि मेरे पूरे दिन में मेरे फेस पर कितनी डर्ट आई है, आप देख सकते हैं वाइप साफ था और अब ये कैसा हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेकअप इतना जल्दी रिमूव होता नहीं है, क्योंकि आजकल हम जो है लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें अप्लाई करने लगे हैं अपने फेस पे, लाइक लिपस्टिक मैट लगाते हैं, लाइनर ऐसे लगाते हैं जो जल्दी रिमूव नहीं होता। तो हमें क्या करना है, एक कोई भी कंपनी का, ये 75 रुपीज़ का आता है डाबर का गुलाबरी रोज ग्लो फेस क्लिनजर। तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, बट हाँ उसका जो ब्रांड है वो नाम ही होना चाहिए। कोई भी चीज़ें अपने फेस पर ऐसे ही अप्लाई ना करें। तो मैं इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती अपने फेस पे, प्रॉब्लम यह है कि मेरी आंखों में इशू हो जाता है, इसलिए मैं वाइप पर लेकर ही अप्लाई करती हूँ। और इससे क्या है कि आपकी जो लिपस्टिक वगैरह है तुरंत रिमूव हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपके फेस पर जितना मेकअप है आप उसे निकाल लीजिए, और ज़्यादा तेज आपको रब भी नहीं करना है। आप चाहे तो धुल सकते हैं अपना फेस इससे पहले, बट मुझे ये आसान लगता है। और जिसके पास ये नहीं है उसको मैं आइडिया देती हूँ, नारियल का तेल लें या मॉइस्चराइज़र लें कोई भी, और अच्छे से अपने फेस पर मसाज करके उसे हटा दें, तो बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है। नाउ यू कैन सी मेरे फेस से ऑलमोस्ट जो है निकल चुका है। साथ में फेस के साथ साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपनी गर्दन को भी साफ करें, क्योंकि ये जो एरिया होता है ना ये हमेशा ओपन रहता है, और धीरे धीरे फिर गर्दन बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं आप पूरे दिन में इतना सारा लगा था मेरे फेस पे, और ये मैं लेकर घूमती हूँ। तो आप भी सोच लीजिए, मैं तो फिर भी तब बहुत कम जाती हूँ बाहर, जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए स्पेशली है कि अपनी स्किन का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। तो ये तो था फर्स्ट वाइप, अब आपको ये निकाल देना है एंड देन सेकंड वाइप लेना है। डेली आपके एटलीस्ट दो वाइप तो यूज़ होते ही हैं, और ये वाइप जो अपोलो में मिलते हैं, मैं अपोलो से लाती हूँ, 100 के 3 होते हैं और काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। अगेन सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, क्योंकि अब हमने डर्ट निकाली, अब हम अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रहे हैं, वो भी किससे, क्लिंजर से। इससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत बचा है रब करने के बाद वो भी निकल जाएगा,
और बहुत हार्ड तरीके से आपको इसको रब नहीं करना है। नाउ यू कैन सी मेरी जो स्किन है वो कितनी क्लियर हो गई है। और आपको एक और काम करना है, अपने हैंड इसी से आप पोंछ सकते हैं इनको, क्योंकि ये वाइप ज्यादा गंदा नहीं हुआ। तो आप मेरे हाथ देख सकते हैं साफ हो गए हैं। अब आपको यूज करना है पतंजलि का एलोवेरा जेल। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा बना देता है, बिलीव मी। जो लोग एलोवेरा जेल नहीं यूज करते हैं वो यूज करना स्टार्ट करिए ना, तो महंगा आता है प्लस आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। जो एक लेयर होती है ना हमारी स्किन जो है वो खराब होने लगती है, वो उतर जाती है, तो ये उसी से आपको हील करता है, मतलब अच्छा होता है बेसिकली ये। तो मैं इतना सा लूंगी एलोवेरा जेल, आप देख सकते हैं, और इसको अपने फेस पे अच्छे से एटलीस्ट 5 मिनट में इसको लगाऊंगी। ऐसे ऐसे करना है और हमेशा स्किन को ऊपर की तरफ करना है आपको। आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट। एट लास्ट अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर, पॉन्ड्स का है। आप कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप यूज़ करते हैं रेगुलर वो यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मॉइस्चराइज ही, क्योंकि एलोवेरा जो है आपके स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है पूरी तरह। तो हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाना है आपको रात के समय में। सो दैट्स इट। अब आप मेरी स्किन देख सकते हैं कितनी क्लीन हो गई है, और अब मैं रेडी हूँ सोने के लिए, मतलब मैं जा रही हूँ सोने। सो आप डेली ये चीज़ें फॉलो करनी है, और आपको मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर जाना है, प्लस बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला वीडियो जो है आपको टाइम पर मिल सके, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें अगर आपका मन करे तो। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। ओके बाय बाय।